The Palace of Versailles is located in Versailles, which is in the suburbs, 19 किलोमीटर west of Paris. ये मूल रूप से 1623 में लुईस 13 द्वारा निर्मित एक हंटिंग लॉज था. हालांकि 17 सेंचुरी के अंत में उनके बेटे लुईस 14 द्वारा इसे एक शानदार महल में बदल दिया गया था. लुईस 14, ऑल्सो नोन एज द सन किंग, एक्सपैंडेड एंड एम्बेलिश्ड द पैलेस एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग हिज रेन. ही मूव्ड द रॉयल कोर्ट एंड गवर्नमेंट फ्रॉम पेरिस टू वर्साइल इन 1682, मेकिंग इट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस. पैलेस का आर्किटेक्चर इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच बैरोक आर्किटेक्चर, कैरेक्टराइज्ड बाई इट्स ग्रैंडियर, सिमेट्री एंड ऑर्नेट डेकोरेशंस. द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो वर्ल्ड वॉर वन को एंड किया था, वॉज साइंड इन द फेमस हॉल ऑफ मिरर्स इन दिस पैलेस. वाह, हम लोग चले आए पैलेस के अंदर. फाइनली हम लोग पहुंच गए. ये ऊपर जो है शायद सोने का है, पूरा शाइन कर रहा है. चलते हैं. यहाँ पे हर जगह इंफॉर्मेशन है कहाँ कौन सा चीज़ है. हम लोग देख के फिर जाएंगे. तो अभी हम लोग फर्स्ट देखने के लिए जाएंगे हॉल ऑफ मिरर्स. यहाँ पे सब जगह एरो करके लिखा हुआ है कहाँ कौन सा है. हॉल ऑफ मिरर्स अंदर जा रहे हैं अभी हम लोग. ये वॉल में बहुत स्कल्प्टर्स है. ये अपोलो का था. पीछे वाला जो देख रहे हो आप, ये एक ऑपेरा है बेसिकली. आगे जाना पड़ेगा. ये ऑपेरा का लाइन है इसीलिए सब लोग खड़े थे, लेकिन वो अलग एंट्री है. हम लोग उसके लिए कोई टिकट नहीं खरीदे और हम लोग वो देखेंगे कि नहीं, तो हम लोग जाएंगे पैलेस घूमने के लिए. हाँ, और ऑपेरा का अंदर का डेकोरेशन बहुत बहुत बढ़िया था. और तो हम लोग आगे पैलेस बढ़ते में आते ही एकदम रॉयल फील हो रहा है. यहाँ और बहुत सारा पेंटिंग्स है, जैसे हम लोग लूव में भी देखे थे. यहाँ पे बहुत सारा पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं. ये लुईस 14, जो ये पैलेस बनाया था किंग लुईस 14, तो उसके बारे में ही कुछ दिखा रहा है यहाँ पे.
पीछे जो फ़ोटो दिख रहे हो आप लोग, ये लुईस 14 का जब रेन ख़त्म हुआ उसी टाइम का फ़ोटो है। उसी टाइम कैसा था ये पैलेस तो आप लोग देख सकते हो, इसका एक पेंटिंग है बेसिकली। और ये लुईस 14 है जो ये पैलेस बनाया था, इसका ब्यूटीफुल गार्डन्स वगैरह सब कुछ, इसका ही स्कल्प्टर है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लुईस 15 का, लुईस 14 तक हम लोग अभी देख चुके हैं, लुईस 15। ये है किंग लुईस 16, इनका ही रानी था मैरी एंटोनियट। इनका गार्डन में हम लोग जाएंगे। ये पिक्चर है लुई फिलिप का उनके 5 बेटे के साथ। ये राजा राजाओं का चेयर आप देख सकते हो कैसे था चेयर। वहाँ पे जब पार्टी होता था तब कैसे नाइट लाइफ कैसे होता था, वही ये पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है। अभी लुईस 14 के रूम के तरफ हम लोग जा रहे हैं, वो कैसे वहाँ पर रहते थे क्या है ये जाके हम लोग देखेंगे। आप लोग ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं, इसका जो साइड में इतना सुंदर तरीके से ग्रिल से बनाया गया है, डिज़ाइन तो बहुत एंटीक है, 400-500 साल पुराना सीढ़ी। ये वाला रूम में रहते थे लुईस 14, आगे जो दिख रहा है लुईस 14 के रूम के तरफ बढ़ेंगे पहले। ये एंट्री कर ली है, देखो कितना ऊंचा है सीलिंग। ये राजाओं का महल का रूम्स है, कार्टेन्स देख के आप लोग पता लगा सकते हो कितना ऊंचा सीलिंग है। कैबिनेट्स वगैरह, कैबिनेट्स, टेबल, टेबल सिस्टम है। सबका डिज़ाइन बहुत अलग है, कितना खूबसूरत है। यहाँ से हर कोई डिज़ाइन अलग है, ये डिज़ाइन उसके साथ अलग है, दोनों सेम भी नहीं है।
थोड़ा पास से देखें। उड़ानियों का पोस्टर है वहाँ पे। तो हेयर स्टाइल है उनकी का उड़ानियों का। सिर्फ एक को छोड़ के जिसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। ये भी एक रूम है, यहाँ पे भी कुछ टेबल्स रखा हुआ, टेबल्स रखा हुआ वाला। और एक कैबिनेट है और एक चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग 8-10 रूम्स छोड़ के आ गए। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा पैलेस है, कितना सारा रूम्स है। और अभी भी हम लोग को आगे में नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे भी 20-25 रूम्स है। तो मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा पैलेस है, मतलब सीलिंग्स वगैरह सब कुछ। यहाँ पे आप लोग कुर्सी देख सकते हो, कुर्सी के अंदर भी कैसा डिजाइन है। एक और टेबल है यहाँ पे। इतना बड़ा सीलिंग है, आप लोग देख लो, ऊपर से हैंग करके इतना तक आया है। और ये दरवाजा जो है मतलब बारीकी से ये लोग बनाए हैं, एक एक डिजाइन वो देखने लायक है। Thank you.
फायर प्लेस था, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो सीलिंग में पेंटिंग्स है। और आप लोग यहाँ पे वॉल्स का डेकोरेशन देखो, ग्रीन में अलग ही एक डेकोरेशन है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और हर रूम का यहाँ पे एक कर्व्ड सीलिंग है और सीलिंग के ऊपर खूबसूरत सा पेंटिंग है। ये स्टैचू किंग लुईस 14 का। रूम का हर एक अलग अलग है डेकोरेशन, हर एक रूम एक रूम के साथ कोई सिमिलरिटीज नहीं है, सब अलग है। और ये सारा रूम्स किंग लुईस 14 का ही था, उनका ही रूम्स देख रहे थे कभी। अभी तो हम लोग 20th रूम में है शायद, काउंट नहीं काउंट, वी हैव लॉस्ट काउंट बेसिकली। अभी सामने भी 20-25 रूम्स है, सबका अलग डिज़ाइन, दीवारें भी अलग है, दीवार का डिज़ाइन भी अलग है। डार्क है बेसिकली, ये 14 का बेडरूम है। यहाँ पे जो बेड है वगैरह सब कुछ रखा है, यहाँ पे चैंडेलियर है और ऊपर का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बड़े बड़े कर्टन्स है। बेड के बारे में कुछ बोलो, कोई लुईस 14 का। लुईस 14 का बेड भी सोना का बना हुआ है, देखिए।
माथे का जो पोर्शन है वो वाला पूरा सोने से डेकोरेट किया गया है, मतलब एकदम रॉयल, मतलब पूरा ग्रैंड रॉयल है। और ये यहाँ पे बेडरूम है शायद, वहाँ पे इसलिए ब्लाइंड्स लगा हुआ है कर्टन्स में, ये यहाँ पे डिम लाइट है यहाँ पे। तो राज जब सोते थे उस टाइम में, शायद दोपहर को जब सोते थे, ये वाला लाइन वगैरह लगा के, कितना बड़ा बड़ा सब कर्टन्स है। और ये बेड में भी एक कवर है, आप लोग देख सकते हो, बेड में भी कर्टन्स वगैरह है सॉर्ट ऑफ लाल कलर का। और ये वाला फायर प्लेस है। अभी बेडरूम से निकल के हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ का डेकोरेशन देखो। वाओ, इतना शैंडेलियर्स एक साथ कभी नहीं देखे। ये वाला हॉल ऑफ मिरर्स से हम लोग निकल रहे हैं। राजा के रूम के बाद अभी रानी के रूम पे चलते हैं। रानी के रूम देखो, thank you.
हम लोग देख लिए सारे रूम्स वगैरह हॉल ऑफ मिरर्स। तो अभी इस वाला लुई 14 का रूम्स में से हम लोग निकल रहे हैं। अभी बहुत ही शानदार था, मतलब क्या पैलेस बनाया। अभी अभी देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। अभी हम लोग थक गए हैं, इतना रूम्स कितना बड़ा जगह है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक रूम है जिसमें बहुत सारा पेंटिंग्स है, ऑयल पेंटिंग ऑन कैनवास जो बोलते हैं, और बहुत रियलिस्टिक है जैसे हमने लूव में भी देखा था। अभी हम लोग गार्डन्स की तरफ जा रहे हैं। गार्डन में जाने के लिए भी अलग नज़ारा है ये, अगर नहीं आते तो बहुत मिस हो जाता हम लोगों का। Stop.